अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुंबुल किचन। आज बनाएंगे मूंग की दाल का हलवा। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार, जिसको मैंने मिक्सी में पीसे बगैर बनाया है। और इसमें ऑयल भी मुनासिब है, जो बहुत ज़्यादा आपको हैवी नहीं लगेगा। और पीसने के बाद इसका टेक्सचर अलग से हो जाता है। इसका टेक्सचर देखिएगा, ये देखें, बिल्कुल लाइक है जैसे सूजी का हलवा होता है, ऐसे है इसका। तो पीसने से ये थोड़ा पाउडरी फॉर्म में सब हो जाता है। तो बेहतरीन रेसिपी बनी कैसे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले इसमें लहरा पानी लिया, एक कप दूध लिया। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, 50 ml का ये कप है। आप चाहें तो ज़्यादा भी दूध ले सकते हैं। पैन में मैंने डाल दी, इलायची भी डाल दी 4 से 5 अदद। एक कप मूंग की दाल को मैंने 2 घंटा भिगोने के बाद अब मैं इस दूध में इसको शामिल कर दिया। दूध आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकती हैं, या पानी शामिल कर लें। इसको मैंने हल्की आंच पे, ये देखें हमारी दाल गल गई, इसको मैश कर लिया। थोड़ा 2 टेबलस्पून दूध डाल के दोबारा से मैंने इसको मैश किया। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। इसकी बुनाई स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसकी बुनाई मैंने स्टार्ट कर दी है मीडियम फ्लेम पर। ये देखें, अब इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, मिक्स जगह जमा हो रही है डोगी फॉर्म की तरह। ये देखें, इसकी बुनाई में काफ़ी टाइम लगता है, तो बड़े सब्र के साथ आपने ही बनाना, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखें, इससे कलर चेंज हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा ये बनता है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैश की हुई दाल से भी बहुत अच्छा है इसका, देखिए टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है इसका। ये देखें, अच्छा 2 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल की और शामिल की है। उसके बाद ये देखें इसका लुक कैसी है, अब हो गई है। अब इसमें चीनी शामिल कर दी, तो प्लीज़ आप पिसी हुई चीनी लीजिएगा, उसको मिक्स होने में आसानी हो जाती है। करीबन 40 मिनट की मेहनत के बाद हमारा बेहतरीन सा हलवा बुन के तैयार हो गया। वीडियो में आपको शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। जब चीनी का दाना ख़त्म हो जाए, सबसे ला के मैंने चीनी शामिल इसलिए की है कि बुनाई में काफ़ी टाइम लगता है, तो लास्ट में ही चीनी शामिल करनी चाहिए, ज़रा अच्छा रहता है, इससे कलर भी इससे इसका चेंज होगा। तो बहुत ही आसानी से हमारा ये हलवा तैयार हो गया। इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं किया हमने, पिसा नहीं है ऐसे कुछ भी, बस हल्का सा दाल को मैश करने के बाद हमने इसकी बुनाई शुरू स्टार्ट कर दी है। उसी एक पैन में हमने इसको उबाला और भुना और हमारा हलवा तैयार हो गया बेहतरीन। अब इसमें 1/2 कप में मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ, इससे इसका बहुत ही बेहतरीन जायका आएगा, लेकिन इसकी बहुत बेहतरीन खुशबू उठ रही है। जैसे जैसे बुनता जाएगा इसकी बहुत बेहतरीन खुशबू उठती जाएगी। तो आपको ये लग रहा होगा इसे ड्राई फॉर्म में आ गया, इसमें ऑयल बहुत मुनासिब है, तो ज़्यादा ऑयल मत शामिल कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, वो खाया नहीं जाता ज़्यादा ऑयल, से बहुत भारीपन होता है। तो ऑयल इसमें बिल्कुल मुनासिब है, बस ये अच्छा सा मिक्स हो गया। ये देखिए, अब थोड़े इसमें मैं निकाल लूँगी बर्तन में इसको। उसे पिस्ते बादाम भी शामिल कर दूँगी इसमें, अब टेस्ट करेंगे इसको, इसकी कैसे है। इसको मैंने निकाल लिया, इसको इसको बेहतरीन रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनी है मेरी, तो बहुत अच्छी बनी लग रही है, अभी भी अच्छी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।